गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, और इस सोलो वर्सेस स्क्वाड में मैं फिर भी उतरा हूँ जॉर्जो पूल में, जो इस बार काफी हॉट ड्रॉप था इस बार का भी। तो उधर तक यहाँ पर मिल चुकी है मुझे S1897, जो कि एक शॉर्ट गन है, और थोड़ा आगे उछलते कूदते जंप करते 4x के साथ साथ मुझे मिल गई है S12K। और मैं देख रहा हूँ कि बंदे अभी तक अभी गन सी ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लग था कि मुझे कम से कम शॉर्ट गन तो मिल गई। और एक स्क्वाड के पता नहीं दो नमूने बंदर पता नहीं कहाँ से उछलते कूदते आ गए, और किल्स वैसे भी ऐसे बंदों को मारना तो अपनी स्पेशलिटी है, थोड़े डूब्स को मारना, बोट्स को मारना, ये सब तो करते हैं हम, है ना। खेलना तो हमें आता ही नहीं अभी तक, वो तो मेरे स्क्वाड मेंबर्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, तब जाके मारता हूँ मैं। तो इनको मारने के बाद एक्चुअली लग रहा था कि आसपास बंदे हैं, क्योंकि पूरे कंटेनर्स खाली नहीं होते कभी। अगर इतने स्क्वाड्स उतरी हैं यहाँ पर तो कोई ना कोई तो होगा। तो काफ़ी देर तक मैंने यहाँ पे होल्ड किया, थोड़ा देखा आसपास, और एक्चुअली इस मैच में मेरे 16 किल्स थे। और उसके बाद एक गलती जो जिसमें शायद मेरी भी गलती थी और मेरे फ़ोन की भी गलती थी, जिस वजह से मैं मर गया, और वो आप देखोगे आगे आगे जाकर इस वीडियो में। तो अब यहाँ से मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, और ये देखा मैंने कि यहाँ पर एक भाग रहा है कौन, बॉट। तो बोट ही था एक्चुअली, ये दूसरे बोट से लड़ रहा था, बोट बोट आपस में एक दूसरे को बोटिया कर रहे थे। तो एक शॉट मारा, फिर देखा लेफ्ट साइड में भी एक है, तो इसको भी आराम से नॉक कर दिया, और साथ साथ किल भी कर दिया क्योंकि काफ़ी ओपन था। और आप तो जानते हो किल बहुत प्यारे हैं हमें, केडी रेशियो तो अपना थोड़ा अच्छा रखना ही चाहिए। सो यहाँ पर इसको मार के मैंने स्मोक किया है, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि जितने ओपन में इसको मारा है मैंने, कोई भी आकर एक मिनट के अंदर मुझे मार सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं देख रहा हूँ, टीपी भी ले रहा हूँ कि कोई आसपास है तो नहीं, क्योंकि स्क्वाड था और पीछे साउंड आ रहा था। तो यहाँ पर अभी तक टीपी भी ले रहा हूँ, और बहुत सारा टीपी भी लेने के बाद मुझे लगा चलो ओके सब आराम से मैं उठा सकता हूँ जाके गन्स। तो यहाँ मुझे मिनी 14 मिल गई है, S12K प्लस मिनी 14, थोड़ा सही है, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया हूँ मैं, मतलब थोड़ा अच्छा है, पहले से धीरे धीरे बदलेगी कंडीशन अपनी, तो देखते हैं आगे। एंड गाइस, यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि अगर आप कभी भी जॉर्ज पूल में उतरे हो तो यहाँ पर आपको पहले गन्स के लिए भागना चाहिए। अगर आपको लेफ्ट साइड वाले कंटेनर पर दिख रहा है हेलमेट पड़ा है लेवल 3, लेकिन राइट साइड वाले कंटेनर पर एक स्कारल पड़ी है, तो आपको पहले स्कारल भरनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे बंदे के पास वेस्ट है तो आपके पास गोली, आप उसको मार सकते हो, लेकिन वो वेस्ट से आपको नहीं मार सकता। तो वहीं यहाँ पर हुआ, मुझे थोड़ी गन्स मिल गई थी, थोड़ा कंफर्टेबल सा हो गया था मैं कि मतलब कुछ है मेरे पास फाइट के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली एक स्क्वाड है, पता नहीं क्या नूबड़ों वाली हरकतें कर रहे थे, इतने ओपन में पता नहीं क्या कर रहे हैं दो बंदे। हमें तो किल से मतलब है, बात यहाँ हो गया शुरू, ठोकम ठुकाई करना है इनकी, सॉरी ठोकम ठुकाई नहीं, तो क्या नाम है, इसके बाद एक बंदा यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर कर दिया ताकि वो दोबारा रिवाइव ना हो पाए। तो उसके बाद थोड़ा टीपी भी ले रहा हूँ मैं कि मतलब और बंदे भी तो होंगे, तो यहाँ मुझे लगा बॉक्स के ऊपर चढ़ के टीपी भी लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो थोड़ा हाइट भी दिख जाएगी, थोड़ी ऊपर का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में पता चला कि वहाँ पर एक या दो नहीं, वो दो स्क्वाड्स थी जो आपस में लड़ रही थी, और देखो ये सब बंदे थोड़े पैनिक से हो रखे, जो कि इनके आसपास ही बंदे थे, वो देखो एक ये रहा और राइट साइड से कूद के नीचे गया, और ये तो इसका टीममेट था। तो यहाँ दोनों को मैंने नॉक कर दिया, मुझे तो लगा कि एक स्क्वाड है, मैंने रश मार दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पर तो दो स्क्वाड्स जो लड़ रही है, क्योंकि देखो चार बंदे तो मैंने ऐसे नॉक कर दिए, तो चारों नॉक कैसे सोचते हैं। तो वहां जाके मुझे पता चला यहाँ पर जो दो स्क्वाड लड़ रही थी, मैंने हर टीम के दो या एक के तीन, एक के एक बंदा नॉक किया था। उसके बाद यहाँ पर एक पीले से रंग के कपड़ों में डुक्कर एक था, वो पता नहीं क्या कर रहा था, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया आपको, तो इसको मैंने शॉट्स दिए। पहले तो मैंने किल अपने किए, इसके टीम में ना और मेरे किल ले गए, तो एक्चुअली किल का कुछ ज्यादा ही भूखा हूँ मैं, तो थोड़ा हल्का सा फायर किया मैंने, लेकिन यहाँ था नहीं वो पता नहीं क्या कर रहा था, मैं तो बोट जैसी हरकतें लग रही थी इसकी, कहीं मैं शक हो रहा था कि बोट तो नहीं है ये। तो उसके बाद क्या था, बस जाकर उड़ा दिया इसको भी, इसका क्या करना है। तो इसको उड़ाने के बाद मैं आराम से लूट ही रहा था कि यहाँ पर एक और फुटस्टेप्स की आवाज आई, तो मतलब DP28 तो उठाई मैंने, लेकिन यहाँ पर फुटस्टेप की आवाज़ आ गई, जिसको सुन के मतलब मैं एकदम पैनिक हो गया था कि कहाँ से आई, अभी तो मैंने सब क्लियर किया, 7 किल हो गए मेरे। उसके बाद यहाँ पर आई, तो थोड़ा टीपी भी लिया मैंने, थोड़ा आराम से देखा, उसके बाद जाके पता चला कि ये भाई साहब थोड़े फिर बोट जैसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहीं सारे बंदे, आपको एक नहीं दो से चार बंदे मिल जाएंगे जो बोट जैसी हरकतें करते हैं एक ही मैच के अंदर अंदर, कई बार आपको कुछ रैंडम प्लेयर्स मिल जाते हैं। एनीवे, फिलहाल तो सोलो वर्सेस स्क्वाड है, तो यहाँ पर एक बंदा है, और यहाँ तक टीपी भी लेने के बाद पता चला कि वो पता नहीं क्या आराम से बैठा हुआ था बिल्कुल शांति से, और ये भी शायद उसी टीम में से कोई एक था जो बच के था, या फिर कोई बॉट था पता नहीं।
तो इसके बाद आराम से मुझे लगा कि थोड़ा चलो जॉर्ज पुल का कुछ हिस्सा तो मैंने क्लियर कर ही दिया है। अब इसके बाद क्या था कि ये साइड वाले कंटेनर्स पर थे बंदे, तो यहाँ पर मैं तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़े बंदे हैं, मैं थोड़ा मतलब यहाँ देखा और यहाँ पर मैं जंप करके फटाफट लेफ्ट साइड में गया कि ताकि फुटस्टेप्स मेरे कम आए अगर आसपास कोई बंदा है तो। तो मुझे लगा यहाँ पर एक बंदा है, लेकिन फुटस्टेप्स के हिसाब से लग रहा था कि एक नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ मैं देख रहा था कि मतलब थोड़ा आसपास तो कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ी क्रेट पड़ी थी, मैं यहाँ पे क्रेट मैंने मारा था एक बंदा तो वहाँ पर थी। अब यहाँ पर मैं अलग अलग टीपी भी ले रहा था कि पीछे से बोट आया शायद ये, हाँ ये बोट ही था। तो इसने आके बिल्कुल डरा दिया मुझे कि मतलब कहाँ से शॉट्स आए एकदम से, और बोट था मुझे पता चला क्योंकि डायरेक्ट अंदर ही घुसा, क्योंकि हर बंदा एकदम ऐसे नहीं घुसता अंदर, ये देखो ये होती है बोट की हरकतें और कैसे आगे पीछे भाग रहा है पागलों की तरह। इसको मारते मारते वो बंदा ऊपर से आया, मैं अंदर हो चुका था लेकिन क्या ग्लिच था पता नहीं, ये ग्लिच था लैग था कुछ समझ नहीं आया। मैं अंदर होने के बाद भी बंदे ने मुझे शॉट्स दिए और लगभग यहाँ जा ही चुका था मैं, और ये कंटेंट मेरा ले जा चुका था पूरी तरह से। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर दो बंदे हैं, अगर मैं कंटेनर के अंदर बैठा रहा तो मरूंगा क्योंकि हेल्थ तो है नहीं मेरे पास। तो ये थोड़ी किस्मत मेरी थी जो उसका एक शॉट भी लगा मुझे और थोड़ा तरीका भी था। उसके बाद तो बस मैं भागा, मतलब इतना मैं भागा कि मतलब छोड़ दो बस अभी फाइट लेनी, थोड़ी पहले हेल्थ रिकवर करो। तो यहाँ पर मैं आराम से आके इसके पीछे बैठ गया कि चलो यहाँ थोड़ा कवर्ड हूँ मैं, ये प्रॉन पता नहीं क्यों हो जाता है बार बार। और ये बंदा फिर से आया, अब इसको तो मतलब मार ही रहा था मैं, उसके पास बुलेट थी उसकी लगी नहीं थी क्योंकि बीच में स्टेयर्स थी और उसके सारी बुलेट उसकी स्टेयर पर लगी थी। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले हेल्थ अपनी रिकवर करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक क्रिकेटर भी यहाँ आसपास घूम रहा है और आजकल तो वैसे भी क्रिकेटर्स का ज़माना चल रहा है, बैट की जगह गन्स पकड़ के हमारे कोचिंग के जोर स्कूल में घुस के हमें मारते हैं, क्रिकेट की थोड़ी हिम्मत ऐसी हो गई है। एनीवेज तो यहाँ पर उसने मुझे हील करने का टाइम दे दिया जिसकी वजह से क्रिकेटर भाई का थैंक यू। तो यहाँ पर इसको शॉट्स दिया मैंने, ये पता नहीं क्या कर रहा था मतलब भागा और ये इसको हेडशॉट लगा और लगभग मुझे ले जा चुका था यहाँ पर ये। तो अच्छी खासी लूट मिल गई, काफ़ी प्यार से मैंने यहाँ पे लूटा, मैं हेल्थ कम थी वो भी आराम से रिकवर करी। सो इसके बाद हुआ मेरा रश गेम प्ले स्टार्ट। सो गाइस जोधपुर से निकलने के बाद यहाँ मुझे फ्लेयर गन मिल गई थी जिसको चलाने में इस कंपाउंड में आया, लेकिन ये कुछ नमूने से बंदे यहाँ पर आ गए थे इनको मारने की मैं नाकामयाब कोशिशें कर रहा था। ये महाराज जी पता नहीं क्यों बैठे हैं गाड़ी में अपनी, थोड़ा ऊपर फ्लिक हो गया लेकिन अगला शॉट इसको हेड पड़ने वाला है, इसको क्या पता फ्यूचर जान दे भाई हम। तो ये पड़ गया इसको हेड शॉट, मेरा ड्रॉप भी आने वाला है। तो अब इसको तो यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया, नहीं तो रिवाइव हो जाता, बाकी बंदे छुप रखे हैं अच्छे से, स्मोक भी हुआ था लेकिन ये बचा नहीं पाए बेचारे। तो एक्चुअली अभी तीन बंदे हैं इनके साथ, मेरी इसी मैच में 3 बार लड़ाई हुई है, एक तो ये रही, एक पहाड़ों पर रुकने की कोशिश करी साइड में लूट करने के बाद तो वहाँ पर रुके नहीं है, आगे इनका फ्यूल खत्म हुआ तो एक कंपाउंड में जाके मैंने इनको फिनिश कर दिया। तो एक बंदा एक्चुअली का क्रिकेटर राइट से आ रहा था जिसको मैं थोड़ा देखने गया, तो ये फाइट तो चलो एक बंदा मैंने यहाँ मार दिया। तो आइए देखते हैं अगली वाली फाइट। तो वहाँ से मैं अपनी ग्रोजा उठाकर निकल चुका हूँ दूसरी M4 थी जो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मेरे पास M24 है जो बोल्ट एक्शन है। तो यहाँ मैंने इनको रोकने की कोशिश करी, यहाँ पर एक्चुअली गाड़ी आई थी लेकिन ये पता नहीं क्या भगोड़े बंदे हैं यार, तुम तीन हो मैं अकेला हूँ, शर्म करो यार भाग रहे हो अभी तक, ऐसे छोड़ ना करते हैं। लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि जो भी हो जाए अब तो इनको ख़त्म करना ही है। तो यहाँ मैंने देख लिया था वो लेफ्ट मुड़ चुके हैं, यानी कि वहाँ पर कंपाउंड में रुके होंगे, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं करी यहाँ पर अपनी गाड़ी उठाई सीधा, अपनी गाड़ी भगा कर मैं चला जाऊंगा। ये एक्चुअली नोटिफिकेशन ट्यून थी M24 की जब आ जाई। तो यहाँ पर मैं अब गाड़ी उठा के जा चुका हूँ रश करने, 1v3 क्लच करने, और 1v3 क्लच सक्सेसफुल हो भी जाएगा। तो यहाँ मैं निकल ही रहा था कि बंदे मतलब आराम से घरों में पोजीशन ले रहे थे अपनी, लेकिन मैं आ गया यहाँ पे तहलका मचाने इनके ऊपर। और थोड़ा देखा ये थोड़ा रिस्की था एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि राइट में बंदे हैं लेफ्ट में बंदे हैं तो थोड़ा रिस्की सा था, मैंने सोचा जो ट्रक के पीछे जाए थोड़ा कवर लेते हैं। जब मैं कवर लिया आराम से, वो एक बंदा मैंने देख लिया कि उस वाली बिल्डिंग में गया है, तो एस्टिमेट लग गया था कि यहाँ पर इस वाले घर में तो कोई भी नहीं है, तो इस घर में कोई नहीं है मतलब मैं यहाँ पर जाके थोड़ा अपना टीपी वगैरह ले सकता हूँ। और फिर भी थोड़ा होल्ड करने के बाद थोड़ा वेट किया मैंने और चला गया मैं इस घर के अंदर, तो क्योंकि मुझे थोड़ा लगा कि नेट वगैरह डालने चाहिए तब करके शायद वो बंदे बाहर भी आ जाएंगे, और यहाँ वर्टिकल फॉग भी देख रहा था मैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक नेट डाला सीधा घर के ऊपर वाली जगह पर, क्योंकि बंदे थे तो वहीं पर, ये लेफ्ट पीक पता नहीं कैसे से करता है, मतलब कोई बाहर से है ना जी, ये एक और बैट्समैन आया है, बैट्समैन बहुत हो गए यार पबजी में बहुत ज़्यादा,
एक बंदा यहाँ पे आया है और ग्रोजा की पावर तो आप जानते ही हो, सबको पता है ग्रोजा की पावर, ग्रोजा ग्रोजा की 7 गोली मिलेगी उसको और एक दूसरे को भी, मतलब ग्रोजा की जान यार, ग्रोजा ना रियली ओपी है, क्लोज रेंज या शॉर्ट गन तक को हारने का दम रखती है कई मामले में। तो इसको तो मैंने फिनिश किया क्योंकि ये मुझे लगा बैट्समैन जाके इसको बचाना ले, ऐसे बैट्समैन का काम आउट होना होता है, पता नहीं कैसे ऐसे आता है। तो यहाँ अब प्लेन की आवाज़ आई जिसकी आवाज़ का फ़ायदा लेकर मैं फटाफट गया बैट्समैन को मारने, क्योंकि वो यहाँ पर आ रखा था। अरे नोबड़े को लगा मैं वहीं पर हूँ, लेकिन इसे क्या पता भाई, प्लेन की आवाज़ थी, प्लेन की, अब प्लेन की आवाज़ लेकर हम तुम्हारे पीछे आ चुके हैं, हम इतने बड़े नूबड़े भी नहीं है कि मतलब तुम्हें ना मार पाए। तो यहाँ पर हो गया 1v3 क्लच सक्सेसफुल और हो गई स्क्वाड वाइप। तो स्वाड को वाइप करने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मिलिट्री बेस। एक्चुअली बीच में मेरा ब्रिज पर थोड़ी बहुत फाइट हुई थी, लेकिन वो मैं सीन इसलिए डाल रहा क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता है, छोटी किया कर। एक्चुअली मैं भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी छोटी पसंद आती है, 10 मिनट से ऊपर वाली वीडियो देखी भी नहीं जाती ज़्यादातर। तो इसके बाद अब एक्चुअली इस घर में 2 बंदे हैं और ये वो सीन है जहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, और ये एक्चुअली सामने वही वाला पहाड़ है जहाँ पर मैंने 2 बंदे नॉक किए थे, लेकिन अभी शायद निकल चुके हैं यहाँ से रिवाइव होकर। तो अब इस घर में 2 बंदे हैं और यहाँ मैं एक्चुअली मरने वाला हूँ। एक मैंने नेट डाला जिस लेवल से हेलमेट था तो कार एंडेड का हेड भी पड़ता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी बॉडी पड़ा। तो एक बंदा यहाँ पर उठ चुका है मेरे नेट से और मैंने डिसाइड किया कि मैं रश करूँगा क्योंकि ग्रोजा तो अपने हाथ में है ही, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर एक्चुअली मेरे साथ धोखा होने वाला, एक जोन भी आ रहा था जिसकी वजह से मुझे रश करना ही पड़ा। और मैं ऊपर गया, वो बंदा नीचे आ चुका था, लेकिन ये हल्का सा लैग हुआ और देखो ये हुआ। एक्चुअली इस वीडियो में मर तो गया, लेकिन फिर भी होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।